मैं सारा कुछ ये अपने जीवन दे विच अपने पिंडे ते हंडाया होया है, क्योंकि जदों मैनू बीमारी लगी तो उस तो बाद मैं साध संगत नाल पहला भी काफ़ी बार शेयर कर चुकिया कि किदा किदा मैं जाके निकलिया। तो उस तो बाद जदों फिर मैनू एक मिशन आया सर्व रोग का उखद नाम नाम दे नाल, जिहड़ा कि पूरे वर्ल्ड दे विच चल रहा, जिहदे विचों नाम दे थ्रू गुरबाणी दे थ्रू बीमारियां ठीक करते हैं, मतलब बारे ठीक करने का तरीका दसते हैं लोगों को। चलो खैर वधिया, वो भी वधिया गल आ, कोई माड़ी गल नहीं है, क्योंकि लोगों को गुरबाणी नाल जो जुड़ते हैं, चाहे लोग बीमारियां करके जुड़ते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बहाना बनता, कोई ना कोई बहाना बनाता वाहिगुरु। तो जो फिर मैं जुड़िया ये मिशन के नाल, ये मिशन के भाई हरदयाल सिंह जी ने, अपने डॉक्टर हरदयाल सिंह जी, जिहड़े कि काफ़ी बहुत ही बड़े अहुदे तों रिटायर होए हुए हैं, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस, उन्होंने जी मिशन की बच्चे असल शुरुआत की। तो मिशन के उन्होंने खुद बहुत बड़े बीमार हो गए सी, क्योंकि वो जदों ड्यूटी करते सी तां जिन्ने अपने पंजाब के डॉक्टर आ सारे डॉक्टर सारिया डिस्पेंसरियां उन्हां दे अंडर सी, वो सारे तो उपर सीगे। तो पर उन्होंने बीमारी लगी, उन्होंने हार्ट का साइज बढ़ गया, होर बहुत प्रॉब्लम हुई, तो की होया वो गुरबाणी नाल काफ़ी टाइम तो जुड़े हुए सी, पहला तो ही गुरबाणी का पाठ करते सी, जाप करते सी। तो जो फिर वो लास्ट टाइम उन्होंने लगे भी हूँ बीमारी मेरी, सारे डॉक्टरों ने जोर ला लिया, जो उन्होंने अंडर से बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, MBBS MD डॉक्टर, सारे डॉक्टरों ने बहुत जोर लाया, तो पर वो कहते मैं ठीक ना कर सकी। तो मैंने ये हालत हो गई बस भी हूँ मैं जिंदगी बाद खत्म हो जाएगी। तो 105 बुखार से, कहते फिर मैं वो हाल के वाहगुरु ना जुड़ गया लास्ट टाइम, कहते वाहगुरु जी मैं तो गुरबाणी ना भी बहुत टाइम तो जुड़िया हाँ, पाठ भी करदा भी, पर मैं ठीक ही नहीं हो रहा, सारे डॉक्टर दुनिया के सारे पंजाब के डॉक्टर मिल के मैंने ठीक नहीं कर पा रहे, हालांकि सारे मेरे अंडर भी आते हैं, सारे मेरे चेले पाल के आ, पर मैं ठीक नहीं कर पा रहे। तो फिर वाहिगुरु ने उस तरह ही अंदरों उन्होंने आवाज़ आई, भाई वाहिगुरु मंत्र नूं गा, वाहिगुरु मंत्र नूं गा, उन्होंने आप जी गल कही। तो कहते फिर मैं किया, 105 बुखार सीगा, तो फिर कहते घर वाली छत्ते बैठ के पट्टियां रख रहे थे, होर कर रहे थे, लोग आले दुआले सारे बैठे थे परिवार के जी, तो कहते मैं घर वाली नूं कहा भाई तुसीं मेरी कि वाहगुरु साहब नूं गाओ। कहते फिर उन्होंने बैठ के वाहगुरु 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 करना शुरू कर दिता। तो कहते हैरानी जनक नतीजा मिलया, लगभग थोड़े टाइम के विच ही की होया, तो जो मैं दोबारा कहते टैंपरेचर ना चैक किया, 105 तो 101 से मेरा टैंपरेचर आ गया, तो मैंने बड़ा हौसला होया। कहते फिर मैं भी, क्योंकि पहला मैंने बोलने की हालत ही नहीं सी, इन्ना बुखार से, फिर मैं आप ही वाहगुरू वाहगुरू करना शुरू किया, तो थोड़े टाइम बाद ही कहते मेरा जरा टैंपरेचर से वो बिल्कुल नॉर्मल आ गया। तो उस तो बाद कहते फिर असं की किया, फिर असं लगातार ही शुरू करता प्रोसैसर प्रोसीजर शुरू करता, वाहगुरु वाहगुरु सारे करते रहे, तो बड़ा हार्ट का साइज बढ़िया आया सी, वो भी ठीक हो गया, मेरी किडनियां खराब हो चुकी थी, कहते वह भी ठीक हो गया, सारिया चीज़ा जड़ियाँ ठीक हो गई। तो फिर उन्होंने भरा से MBBS डॉक्टर लुधियाने तो डॉक्टर बलवंत सिंह, तो उन्होंने उन्होंने कहा भी वाहगुरु के शब्द ना आह बीमारियां ठीक होंगे ने, तो वो कहते हस पाया, तो वो कहता इदा थोड़ी हो सकता भी मैं डॉक्टर हाँ, असं एड्डी बड़ी डॉक्टरी की डिग्रियां प्राप्त कीतिया ने, इदा कितना ठीक हो जाते हैं। वो कहते फिर तुम इदा करो भी पहुँचा के देख लो, प्रैक्टिकल करो। तो कहते फिर असी बहुत उन्होंने मनाने के बाद फिर असं एक प्रैक्टिकल किया, अजी कहते कहा मैं 10 मरीज ऐज लिया जोड़े मरीज ठीक नहीं हो सकते, कहते फिर मैं 10 मरीज ऐसे जे लाए जिन्होंने बस मैडिकल साइंस जवाब ही दे चुकी थी कि बिल्कुल खत्म आ, बस ठीक नहीं हो सकते, इन्होंने विचों कैंसर के होर जानी बड़े बड़े बीमारियों वाले जिन्हें जी जानी मैडिकल साइंस की पहुँच तो बाहर से, वो 10 बंदे उन्होंने लाए, तो 10 बंद फिर उन्होंने एक्सपीरियंस किया, 10 बंद फिर लगातार वाहेगुरू 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 शब्द का जाप करवाया, 10 क दिन का 7 या 10 दिन का शायद फ्रीज रखिया। तो उन्होंने कहते वो ऐ हैरानीजनक नतीजे मिले वाहेगुरू, 1% भी घट नहीं, 10 के 10 मरीज ठीक हो गए, 9 भी नहीं ठीक, 10 के 10 ही मरीज ठीक हो गए। वो कहते डॉक्टर नहीं, फिर टीम बैठी पूरी पूरी डॉक्टर की टीम, बड़े बड़े डॉक्टर इकट्ठे किए गए, तो सारे ने फिर उन्होंने लाए टेस्ट लाए, सारा कुछ देखा भी ये किदा हो गया, ये किदा ठीक हो गए। फिर उन्होंने वाहेगुरू एक बड़ा कैंप लाया, बड़े कैंप हज़ारा मरीज बुलाए गए जिन्होंने बकायदा रिपोर्टिंग हुई, रिपोर्टा लिया गई सारिया, रिपोर्टा हजे सारिया मौजूद ने, उन्होंने को एक बहुत बड़ा कमरा भरया पाया, यानी वाहेगुरु मंत्र ना एड्डी वड्डी हुई, हालांकि वो सिर्फ बीमारियां ठीक करने वास्ते गाया गया सी, इन्नी कि रब की प्राप्ति लई नहीं, हालांकि बीमारियां ठीक करने वास्ते गाया गया सी, पर उत्थे भी वाहेगुरु ने एड्डी वड्डी कृपा की कि सारिया शरीरक बीमारियां दूर करती। पर देखो तीने ताप अनवारन हार दुखांता सुखरास, ये तिने तरह के ताप ठीक कर दिता,
ਲੱਲਾ ਲਾਵੋ ਔਖਦ ਜਾਓ ਦੂਖ ਦਰਦ ਹੈ ਮਿਟੇ ਕਨਾਓ ਨਾਮ ਆਖੋ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਹਤਾਵੈ ਤਾਏ ਰੋਗ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੂਸਰੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਪੋ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਓ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁੜਦਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤੜਪ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੜਪ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਸਮਝ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।